अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मिगीज किचन। आज मैं आपके साथ पोटैटो के समोसे बनाने जा रही हूँ, जो कि विदाउट पट्टी और विदाउट मैदे की आटे के बगैर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं और एक कप ये जो है ब्रेड क्रम है, इसके अंदर मैं आलूओं को शेड करूंगी। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, लेकिन बहुत अच्छी बनने वाली है, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। जरा हट के हो जाएगा, वरना पट्टियों के साथ और रोल पट्टी ये सब जो है वो बहुत थक गए हैं देख देख के। जरा आप लोग भी नए तरीके से बनाएंगे तो घर वाले भी इंजॉय करेंगे। वन टीस्पून इसमें साल्ट शामिल कर रही हूँ और ये ग्रीन चिली है, ये वन टीस्पून मैंने ये चॉप की हुई रखी हुई थी, ये शामिल कर दी। ये चाट मसाला डाल दिया, ये वन टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ जीरा और वन टीस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ, ये वन टीस्पून इसमें अनारदाना है जिसको मैंने कूट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीन चिली भी डाली है। स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे, ये ऑयल हमारा बाइंडिंग में हेल्प करेगा। इसको हाथों की मदद से हल्के हल्के हम सारा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसकी कितनी जबरदस्त बाइंडिंग हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्रॉप और ऑयल डालेंगे ताकि ये क्रैक्स ना आए इसमें, जब तक हम ये मैंने थोड़ा सा हाथ में ले लिया, टेबलस्पून से थोड़ा ज्यादा। अब मैं इसको ऐसे गोल कर रही हूँ और मैंने इसको और अच्छा बनाने के लिए, बच्चों के लिए दिलचस्पी के लिए इसमें एक चीज ये मोंजरेला चीज का पीस रख रही हूँ, ताकि खाने में आप लोगों को थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए और ये पोटैटो चीज समोसा बन जाए। ये देखिएगा अभी बहुत, इसको हम खुद अपने हाथों से शेप देंगे, क्योंकि ये आलू हैं, इनको आपने ही शेप देनी है। मैं खुद ऐसे शेप दे रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप इसे बोल की शक्ल में बना लें, रोल की शक्ल में बना लें, लेकिन थोड़ा सा समोसे का टच देना है तो ये बनाना ज़रूरी है। आप लोग देखें मैंने हाथों से ही इसको ये शक्ल दे दी। ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं। तो थोड़ा सा ये है कि समोसे की शेप आ गई है, आप लोग अगर इस तरह बनाना चाहें तो ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डालना। हमारा ऑयल गर्म हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे डाल दिया। अब हमें इसको ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है, बस इसको रेड होने का, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने का हम वेट करेंगे और फिर निकाल लेंगे। ये रेडी हो गए हैं बिल्कुल हमारे, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी ये रेडी हो गए हैं, मैं आपको इसको खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बहुत अभी हॉट है, ये देखिए चीज निकला है इसमें से, जबरदस्त बने हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देखिए हमारे पोटैटो चीज समोसा तैयार हो गए हैं, बहुत ही जबरदस्त बने हैं, बहुत ही आसान बनाने की इसकी मेथड है, आप लोग जरूर बनाइएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए अब इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।